While chromatography separates compounds depending on their chemical and physical properties, mass spectrometry, or mass spec as it is commonly known, reveals a compound's molecular weight. In a mass spectrophotometer, a beam of electrons bombards a single chemical sample with enough energy to break apart molecules. The fragments produced are propelled through a magnetic field and automatically sorted according to their mass and charge. An ion detector collects and records the fragments, producing a graph showing the mass-to-charge ratio of each. To analyze the information and deduce the structure of the original molecule, a scientist must work backward, reassembling the fragments on paper. When all goes well, they fit together like puzzle pieces to reveal the composition of the original sample. My dear students, today we are going to discuss about mass spectrometry. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1। बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक अहम टॉपिक है। हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज के इस लेक्चर में हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जिन पॉइंट्स को कवर करना है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी टाइप्स और प्रिंसिपल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ एन एनालिटिकल मेथड। यहाँ मेथड की जगह पे आप टेक्निक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक बात यहाँ पे ये हो गई। दूसरी बात, एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसे हम क्या करते हैं कि किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक काम तो ये हो गया इसका। जो इससे हम दूसरा काम लेते हैं वो ये है कि हम आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को भी मेजर करते हैं। बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ये वो दो काम हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर से और भी बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं, जिनमें से मैं आपको एक आध बात बता देती हूँ। इस टेक्निक की मदद से हम मालिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मालूम कर सकते हैं, मालिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। इन इस टेक्निक से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में जो दो पॉइंट्स मेंशन है इसके वो ये है कि हम किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज को मेजर कर सकते हैं और आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। बेटा इस पर्पज़ के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैं आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन बताती हूँ। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन भी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की तरह ही है, बस फ़र्क यहाँ पे है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है वो एक एनालिटिकल मेथड है, एक एनालिटिकल टेक्निक है। अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अलॉन्ग विद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री और मैस स्पेक्ट्रोमीटर इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस फ़र्क इतना है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है। क्या आप जानते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर को हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और सेकंड है डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेटा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एंड डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपने दो दो डिफरेंस जो है इनके बताने हैं। एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, सबसे पहले एस्टन ने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया था वो इस्तेमाल होता था आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब वो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल तो होता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई किस बेस पे किया जाता था एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में। तो आपने जवाब देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। बट इस पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैसेस की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता था, और यहाँ पे जिन आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई किया जाता था वो गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में मौजूद होते थे। अब हम बात कर लेते हैं डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेम्स्टर्स। आप यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइंड बाय डेम्स्टर। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइंड for the identification of elements which were available in solid state। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने जिन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते थे, और एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की अगर बात की जाए तो उसने जिन आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई किया वो आइसोटोप्स गैसियस स्टेट में प्रेजेंट थे। अब हम आज के इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को अब हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। ए सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड, इसका क्या मतलब है? आपने अपने सैंपल को सबसे पहले गैसियस स्टेट में लेके आना है, यानी अपने सैंपल को वेपर्स में चेंज करना है। जैसे ही आपका सैंपल जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए तो आपने अपने उस सैंपल को बेचना है आयोनाइजेशन चैम्बर में। आयोनाइजेशन चैम्बर में फिलामेंट मौजूद होता है, उस फिलामेंट से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रही हैं, और जो सैंपल आपने इनलेट किया होगा वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से गुजरेगा। देखें, आप गौर कीजिएगा, ऊपर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं और आपने अपना सैंपल गैसियस फॉर्म में जो है उसे इनलेट किया, तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नीचे से गुजरेगा ना, जिसके रिजल्ट में गैसियस सैंपल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। जैसे ही आपका सब्सटेंस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नीचे से गुजरेगा तो आपके सब्सटेंस की एनर्जी हाई हो जाती है। जैसे आपके सब्सटेंस की एनर्जी हाई होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की वजह से आपके सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपने कहना है कि अब आपके पास गैसियस पॉजिटिव आयंस बने हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि जो भी आपके पास आयंस बनेंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे। ये भी आपको पता चल गया कि वो आयंस पॉजिटिव आयंस हैं, और बेटा पॉजिटिव आयंस को आप केटायंस भी कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आपका सैंपल जो है वो केटायंस में तब्दील हो जाएगा, यह हो चुका है। अभी जो केटायंस हैं इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाएगा। केटायंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से गुजारा जाएगा, ये बात यहाँ पे समझने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी 500 to 2000 वोल्ट। तो केटायंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की उसकी वजह से स्लिट से होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो किस तरह से करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू केटायन अप्लाई की जाएगी, केटायंस कह लें या पॉजिटिव आयंस कह लें, जिसके रिजल्ट में जिन पार्टिकल्स का मास कम होगा वो आयन कलेक्टर पर जल्दी गिरेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि आयन कलेक्टर के साथ एम्पलीफायर अटैच होता है, और एम्पलीफायर के साथ कंप्यूटर जिस पे आइसोटोप्स की पीक्स को शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस मौजूद था वो नियॉन था। अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसे आपने गैसियस फॉर्म में लेके आना है इनलेट करने से पहले, इनलेट से पहले। तो आपका जो नियॉन है वो गैस फॉर्म में मौजूद है, आपने उसे क्या करना है? इनलेट करना है आयोनाइजेशन चैम्बर में। ये कौन सा चैम्बर है? आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये यहाँ पे हीटेड फिलामेंट अटैच है, हीटेड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आ रही हैं, ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने अपना सैंपल इनलेट किया तो सैंपल यहाँ पे आएगा। अब इस सैंपल के ऊपर क्या चीज़ गिर रही है? इलेक्ट्रॉन बीम, जिसके रिजल्ट में गैसियस सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और सैंपल फिर किस में चेंज हो जाता है, केटाइंस में चेंज हो जाता है। अब इन केटाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से खींचा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे अप्लाई की जानी है वो तकरीबन अप्लाई की जाएगी 500 टू 2000 वोल्ट तक। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपके जो केटाइंस हैं वो इस स्लिट से होते हुए मैग्नेटिक फील्ड तक चले जाते हैं। स्लिट से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू केटाइन अप्लाई की जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके रिज़ल्ट में होगा कुछ इस तरह कि जिन पार्टिकल्स का मैस कम होगा वो पहले गिरेंगे आयन कलेक्टर पे, जिसका मैस ज़्यादा होगा वो थोड़ा दूर, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे दूर जाके गिरेगा। और किसके ऊपर ये पार्टिकल्स जाके गिर रहे हैं, आयन कलेक्टर पे गिर रहे हैं। आयन कलेक्टर के और भी नेम हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि इस आयन कलेक्टर के साथ इधर इस आयन कलेक्टर के साथ एक एम्पलीफायर अटैच होता है और एम्पलीफायर के साथ कंप्यूटर अटैच होता है। फिर यहाँ पे ये जो आके पार्टिकल्स घिरे हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये पार्टिकल्स बेसिकली आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो बेटा ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इस प्रिंसिपल को हमने अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।